एग्जाम्पल एफरिज्म 1 चल रहा था, ठीक है। आप लोगों को ग्राउंड प्लान बताया था, ऑर्गेनेल का ग्राउंड प्लान? नो सर। अभी पेपर पेंसिल सबके पास है लिखने के लिए? जिसके पास नहीं होगा वो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। शॉर्ट में आपको एक ग्राउंड प्लान बता रहे हैं। क्या चीज सर? आपने ग्रुप पे भेज दिया था ग्राउंड प्लान। अच्छा भेज दिया था, चलो ठीक है। यस सर। चलो ठीक है, फिर ऑर्गेनाइज शुरू करते हैं। अटेंडेंस हो गया है ना सबका? हेलो। यस सर। चलो बीच में कुछ पूछे तो रेस्पॉन्स करते रहना। ओके सर। अभी ना दिस इज अबाउट योर फर्स्ट सेक्शन ऑफ ग्राउंड प्लान, जिसमें हमने आपको बताया था कि पहला एफरिज्म जो है दैट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट एफरिज्म इन इटसेल्फ। ये एक से चार एफरिज्म का एक कॉम्बिनेशन है दैट डील्स विद फिजिशियन। फर्स्ट टू फिजिशियन का मिशन और उसका क्वालिटी ऑफ मिशन कैसा होना चाहिए। थर्ड एंड फोर्थ इज रिगार्डिंग नॉलेज ऑफ फिजिशियन। सो इन शॉर्ट we must know this aphorism 1-4 together, जिसमें आपको हमने ये बताया था, आई थिंक शॉर्ट में, या नहीं बताया होगा तो देख लेना, फोटो लेते रहना अपना। दिस इज अगेन इन शॉर्ट ब्रेकअप ऑफ योर फर्स्ट सेक्शन aphorism 1-4। 1-2 दिस इज बिरुफ। बिरुफ मतलब होता है मिशन। ये मिशन का ही डिफरेंट वर्ड मीनिंग्स है। And 3-4 regarding knowledge of the physician. Clear है ये? Yes sir. चलो उसके बाद ये आपको हमने आई थिंक क्लास में शुरू किया था। This is called एफरिज्म नंबर 1 और एफरिज्म नंबर 2। इसको एक शॉर्ट मैसेज इसको बोलते हैं कंटेंट ऑफ एफरिज्म्स। दैट मींस द मिनिमम इंफॉर्मेशन दैट रिगार्डिंग वन एफरिज्म्स यू मस्ट हैव। अब ये नीचे वाला ये पार्ट छोड़ दो, अभी सिर्फ ये ऊपर वाले पार्ट को ध्यान दो। ये 1 और 2 जो लिखा हुआ है। हेलो सर। बाहर चैट रूम के बाहर मतलब लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स। सब ज्वाइन नहीं करते रहोगे तो हम फिर आगे काम कर सकते हैं। पहले हो गया हो ठीक है, हो गया। और कोई बाकी तो नहीं है? उसको भी बोलो अपना अटेंडेंस भेज दे। हेलो। यस सर, बोल दिया। ठीक है, ये जो अभी आपको स्लाइड दिख रहा है स्क्रीन पे, दिस इज कॉल्ड वन ऑफ द शॉर्टेस्ट मिनिमम एक्सप्रेशन ऑफ योर एफरिज्म। ये आपके मेन एफरिज्म में इस तरह से नहीं लिखा हुआ है, ये आप
टेक्स्ट बुक अगर हो तो देखना जहाँ कंटेंट लिखा हुआ है, देयर यू विल फाइंड सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। इसको जानने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि इतने 294 एफरिज्म्स में, इतने वास्ट सेक्शन में, हर एफरिज्म में सबसे इम्पोर्टेंट कोर कॉन्सेंट्रेटेड मैसेज क्या है, दैट कोर कॉन्सेंट्रेटेड मैसेज ये उसका कंटेंट होता है जो आपके एफरिज्म किताब के शुरू में कंटेंट के पार्ट में दिया हुआ है। सो दिस इज अगेन, ये जो फर्स्ट हाफ लिखा हुआ है इसका, एफरिज्म वन एंड एफरिज्म टू, इस दोनों का कंबाइंड कोर मैसेज क्या है, दैट इज रिगार्डिंग द सोल मिशन ऑफ फिजिशियन एंड हाउ दिस मिशन शुड बी, दैट मीन्स रिगार्डिंग द पर्पस ऑफ मिशन ऑफ द बिजनेस ऑफ फिजिशियन दैट इज कॉल्ड क्योर, एंड वट शुड बी द क्वालिटी ऑफ क्योर एंड हाउ शुड बी क्वालिटी ऑफ क्योर। दिस इज the content of this aphorism 1 and aphorism number 2. Along with this, in aphorism number 1, we have one footnote, jiska yahan pe yahan diya hua hai. Or in short, you can say that what a physician should do is given in aphorism number 1, and what the physician must restrain himself, usko kya nahi karna hai, उनको किस चीजों से परहेज करना है ड्यूरिंग क्योर, ड्यूरिंग ट्रीटिंग विद पेशेंट, ड्यूरिंग डीलिंग विद पेशेंट, दैट नहीं इज गिवन इन फुटनोट। सो ऑल टुगेदर मेन एफरिज्म में दिया है रिगार्डिंग पॉजिटिव डायरेक्शंस फॉर द एक्शन ऑफ फिजिशियन, और फुटनोट में दिया है रिगार्डिंग द प्रोहिबिशन और वार्निंग ड्यूरिंग द एक्शन ऑफ फिजिशियन। ये क्लियर है? हेलो, यस सर। इसके नीचे वाला पार्ट है ये, जब तीन चार पढ़ाएंगे तो बताएंगे आप। दिस इज नाउ एफरिज्म नंबर वन, द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक to health, to cure, as it is termed. इसमें हमने आपको फिजिशियन के बारे में बताया था क्लास में, and that the minimum information that you must have is while saying physician, कोई भी जनरल वे में, कोई भी आम आदमी जिस तरह से बोलता है, आपका लैंग्वेज वैसा नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ फिजिशियन कहने का मतलब है दो चीज़ का ध्यान होना चाहिए, जो हमने आप लास्ट क्लास में बताया भी था, फिजिक प्लस ईएन, दैट मीन द इंडिविजुअल, द पर्सन हु इज स्किल्ड इन द नॉलेज ऑफ डीलिंग विद फेनोमेना ऑफ लाइफ। फिजिक का मतलब होता है नेचर, लाइफ, ईएन मीन्स नॉलेज। सो फिजिशियन मीन्स द पर्सन हु इज स्किल्ड इन डीलिंग विद the phenomena of life. It is having a very similar feel, synonymous with doctor. जिसमें मैं आपको बताया था कि doctor may be anyone who is skilled in any particular subject, but physician is only those who is skilled in with the dealing with the phenomena of physics, the phenomena of life. Next word is high and only. High and only, इस वर्ड को समझ लेने के लिए एक चीज याद रख लेना, अगर टेक्स्ट बुक है जिसके पास, एफरिज्म नंबर 17 का फिफ्थ सेंटेंस देखो, फोर्थ फिफ्थ सेंटेंस ऑफ एफरिज्म नंबर 17, वो इसके बता रहे हैं कि दिस हाई एंड ओनली, यहाँ पे हनीमन ने इस तरीके से लिखा है कि कभी कभी बहुतों को बहुत सारा एक ऑड एक्सप्लेनेशन या कंफ्यूजन हो नजर आने लगता है, बट एक्चुअली इट इज नथिंग बट व्हेनेवर इट इज बीइंग सेड हाई एंड ओनली, ओनली वो भी देखो इटैलिक्स में लिखा हुआ,
That means only one, single. There is no comparative thing with this. And that's why it is called as high and only. High and only का मतलब यह नहीं है कि यहाँ पे एक ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये. No, there is no comparison of work. It is regarding just one work. And that one work, that one mission, that one business, that one calling, and whatever other name you can say, that is nothing but to cure. So high and only here means only one, single, only. हेलो हाई एंड ओनली समझ में आया आपको? यस सर. नेक्स्ट वर्ड इज अंडरस्टैंड हियर इज द वर्ड मिशन. ये मिशन वर्ड से एक चीज हमेशा याद रखना, कभी कभी लोग इसको मिशन का मतलब चैरिटी समझते हैं, मिशन का मतलब कोई मिशनरी वर्क समझते हैं. इट इज नॉट दैट कि हनीमैन ने यहाँ पे पर्पस ऑफ क्योर या ड्यूटी ऑफ फिजिशियन इसको किसी चैरिटी किसी मिशनरी वर्क से ऐड किया है. सबसे पहली बात कि हनीमैन ने ये इंग्लिश में ऑर्गेनम को नहीं लिखा था, ये मिशन वर्ड बाद में ट्रांसलेशन के थ्रू आया है. तो ओरिजिनल वर्ड फॉर दिस वाज एक्चुअली दिस, ये जो हमने आपको बताया था बेरूफ. जर्मन वर्ड जो है दैट इज कॉल्ड बेरूफ, नॉट मिशन. और उस बेरूफ वर्ड का बहुत सारा मीनिंग है. ये जो इतना मीनिंग हम आपको दिखा रहे हैं, इसका वजह यह है कि डिफरेंट अदर ट्रांसलेटर्स, आप जो किताब पढ़ रहे हो वो आरी डज्जन और बोरिक का ट्रांसलेशन है, कंबाइंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ एडिशन. इसके अलावा अगर आप वेसल हॉफ और अदर ट्रांसलेशन को पढ़ोगे तो वहां पे बहुत जगह पे देखोगे मिशन को लिखा हुआ है कॉलिंग, मिशन को देखोगे लिखा हुआ है प्रोफेशन. सो मिशन वर्ड डजंट मीन हेयर एनी चैरिटेबल और एनी मिशनरी वर्क. मिशन वर्ड का मतलब होता है वन ऑफ योर नोबल ड्यूटी. ये जर्मन में बेरूफ वर्ड यूज किया गया. एंड द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस वर्ड मिशन इज ए नोबल ड्यूटी. आपका सबसे इम्पॉर्टेंट काम, आपका मतलब क्या, नॉट यू एज ए पर्सन, आपका मतलब यू एज ए फिजिशियन. एक इंसान को उसके लाइफ में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है. एंड यू हैव टू डू एवरीथिंग इन योर लाइफ. इट इज नॉट जस्ट यू विल जस्ट बी इन वन डायमेंशनल, आंख बंद करके एक ही काम, एक ही चीज के पीछे जिंदगी भर चले जाओगे. बट हर चीज का जब जिस रोल को निभा रहे हो उस टाइम उस रोल में उस चीज को पूरी तरह देना है. सो व्हेन यू विल बी एक्टिंग एज ए फिजिशियन, व्हेन यू विल बी परफॉर्मिंग एज ए फिजिशियन, उस टाइम कहा जाता है कि ड्यूरिंग दैट पार्ट, ड्यूरिंग दैट रोल, you have nothing greater work than only this, that is called to cure your patient. Sir, sorry to interrupt in between. Ek student bar hai waiting area, uska leave ho gaya tha by default. Sir, aage se na bolo, beech beech mein sab humne kar diya hai, but wo beech beech mein wo na kare fir wo dikkat ho jati hai. ठीक है, ज्वाइन कर दिया हमने उसको. थैंक यू सर. ठीक है, तो क्या बता रहे थे, मिशन. मिशन वर्ड का मतलब योर नोबल ड्यूटी. नोबल ड्यूटी योर मींस द फिजिशियन. व्हेन यू आर एक्टिंग एज ए फिजिशियन एट दैट टाइम, this is your duty, this is your only duty,
this is your only calling, and that calling is called cure. Mission word clear hai? Yes sir. चलो उसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट वर्ड है दैट इज कॉल्ड हेयर रेस्टोर. सिक को बताने से पहले छोटा सा रेस्टोर वर्ड यूज करना जरूरी है. रेस्टोर वर्ड का मतलब होता है वट एवर यू हैव एंड ड्यू टू सर्टेन रीजन नाउ यू हैव लॉस्ट इट, उसको दोबारा से रीगेन करना. That is called restore. Restore कहने का मतलब सबसे important चीज ये है कि आप आज भी देखो अपने चारों तरफ, जैसे भी देखोगे, every individual doesn't have the same level of health. Every individual doesn't have the same level of immunity. Every individual doesn't have same level of physique. तो जब हम अगर किसी को होम्योपैथी के लिए क्योर करने की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार होम्योपैथिक दवाई दे दिया तो वो बिल्कुल आइडियल स्टेट ऑफ हेल्थ में चला जाएगा. क्योर यहाँ इसके लिए वही होगा दैट इज कॉल्ड ये अपने पुराने स्टेट में जितना इसने लॉस किया था वो रीगेन हो जाएगा एंड फॉर हिम इट इज कॉल्ड क्योर. जस्ट फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक मार्केट में आपने देखा कि पांच लोगों का किसी ने पर्स चुरा लिया. पर्सन ए बी सी डी ई, पांच लोगों का पर्स गायब हो गया. ए के पास सपोज उसके पर्स में 20,000 था, बी के पास 40,000 था, सी के पास 60,000 था, ई के पास 80,000 था. अब अगर पुलिस ने बहुत अच्छे से टाइमली एक्ट किया, सब ने रिपोर्ट लिखाया, पुलिस ने पर्स चुराने वाले को पकड़ लिया, तो अब अगर पुलिस लौटाएगा तो किसको कितना मिलेगा? सबको इक्वल नहीं मिलेगा. जिसने अपना जितना खोया था उसको उतना मिलेगा. दैट इज कॉल्ड रीस्टोरेशन. ऐसा नहीं कि पुलिस ने किया तो अब सबको इक्वल एक बराबर सबके पास वेल्थ आ जाएगा. पुलिस ने रिकवर किया है तो सबको एक इक्वल सबको इकट्ठे मिला के सब ने इक्वल बांट देगा, नहीं. अगर बहुत आइडियल परफेक्शन में भी काम हुआ है तो एक को उतना ही मिलेगा जितना उसका गया था. That is called restoration. Restoration is very important. इसमें सबसे important part ये है कि every individual at the time of birth they born with certain qualities, जिसको हम कहते हैं कि उसका basic constitutional makeup. उसी basic constitutional makeup में ये भी decide होता है कि उसका स्टेट ऑफ हेल्थ क्या होगा, उसका लेवल ऑफ हेल्थ क्या होगा, उसका फिजिक क्या होगा. सर्टेन थिंग्स आर चेंजेबल, सर्टेन थिंग्स आर नॉट चेंजेबल. सो ओनली व्हाट वी आर लूजिंग, ओनली व्हाट वी हैव लॉस्ट ड्यूरिंग द अटैक ऑफ एनी सिकनेस, that we will gain, and that is called restoration. Even after this restoration, we have lots many things to do for the betterment of health, but that is not the part of your medicine. Agar aap ki suppose kar lo stamina kam hai, aap 2 kilometer daudte ho aur thak jate ho, आप दवा खा के इसको 5 किलोमीटर दौड़ने के लिए नहीं कर सकते. दैट इज नॉट अंडर द डोमेन ऑफ योर मेडिसिन.
हाँ आप उसको फिजिकल एक्टिविटी और वेल ट्रेनिंग के साथ बढ़ा सकते हो, वो एक अलग पार्ट हो गया। सो लेवल ऑफ हेल्थ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सिकनेस, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलनेस, वट एवर यू वॉज और यू हैड और जो लॉस्ट हुआ है वो दोबारा से रीगेन होगा। दैट इज कॉल्ड रीस्टोरेशन, दैट इज will be done by medication, but state of health and other parameters or ideal state of health or perfection of health is not gained by that medicine. For that we have other parameters जो आगे जाके पढ़ोगे, जिसको हम lifestyle management, role of diet, exercise, regulated way of living, इसके through उसको हम understand करें। Am I clear? Yes, sir. चलो next word is called the word sick. Sick word यहाँ पे important है, इसको याद रखना। दो चीज है इसके comparison में इसको समझने के लिए, एक कहते हैं sick और दूसरा होता है word sickness. Whenever we say sick, that indicates इंडिविजुअल एज ए होल। अच्छे से याद रखना, व्हेनेवर वी से सिक दैट मींस द इंडिविजुअल एज ए होल, व्हेनेवर वी से सिकनेस दैट मींस वी आर ओनली कंसिडरिंग द इल और डेविएटेड पार्ट ऑफ दैट इंडिविजुअल। So the difference of sick and sickness, sickness indicates holism, sickness indicate person as a whole, whereas when we say word sickness that means disease, or sick matlab disease individual. So sick indicate karta hai whole individual ko, sickness indicate karta hai only the illness of that individual. So in homeopathy, as we all know that this is holistic science, when we say holistic science that means the consideration of the whole organism and not just any part of that organism. Our consideration of illness, our consideration of health, both in regard to the consideration of whole organism and not just any part of the organism. So sick matlab hota hai the individual as a whole when having any disturbance, when having any type of uneasiness, when having any type of disease, when we consider the individual as a whole, this as a whole consideration of individual is called the sick. So you must differentiate difference between sick and sickness. Sick means whole organism, whole individual, or sickness matlab hota hai sirf part of the illness of that individual. So sickness relates with somehow disease, but sick relates with disease individual. So whenever we will study here or afterwards in different aphorisms regarding concept of either health, regarding concept of disease, regarding concept of cure, everything will be in consideration of sick. That means everything will be in consideration of the whole organism. हम चाहे बीमारी की बात करें, हम चाहे क्योर की बात करें, या हम चाहे हेल्थ की बात करें, our homeopathic philosophy is always dealing with
the concept of holism and not only the part. So this Sikh is again here consideration of person in a state of disturbance. Sickness is the only disturbance, but Sikh is consideration of the person in a state of disturbance. Hello. Yes, sir. Clear हुआ? In between किसी को doubt है तो आप बात कर सकते हो अभी. अभी तक इतने words में अभी सिर्फ हमने word meaning बताई है. इसमें कोई doubt है किसी को? No, sir. चलो. Next step is your health. जैसे अभी अभी बताया हमने consideration of either illness, cure or health, everything will be in a state of holism. So when we restore the sick, that is called to health. Sick को मतलब बीमार individual को दोबारा से एक healthy individual के state में, that means उसके पुराने state में, उसके ओरिजिनल वेलबींग के स्टेट में ले आना, इसी काम को हम कहते हैं क्योर. दैट इज कॉल्ड टू क्योर. ये जो देखो यहाँ पे कॉमा दिया है, सिक को रिस्टोर करके हेल्थ में ले आना, कॉमा, दैट इज कॉल्ड क्योर. क्योर के बारे में दो तीन चीज आप चाहो तो लिख लो. सबसे पहला एक वर्ड मीनिंग आता है, लिख लो इसको. क्योर का मतलब होता है रिकवरी अनडिस्टर्ब्ड बाय आफ्टर सफरिंग. जल्दी से लिखो, रिकवरी अनडिस्टर्ब्ड बाय आफ्टर सफरिंग. ये जो डेफिनेशन है रिकवरी अनडिस्टर्ब्ड बाय आफ्टर सफरिंग, दिस इज डिफाइंड बाय हनीमैन. हाँ लिख रहे हैं वहां पे, चाहो तो लिख सकते हो रेफरेंस में. दिस डेफिनेशन हनीमैन हैज गिवन व्हाइल डिफाइनिंग क्योर इन हिज बुक मटेरिया मेडिका प्यूरा इन इंट्रोडक्टरी चैप्टर ऑफ द मेडिसिन चाइना. का प्यूरा में जब वो चाइना सिंकोना बार डिस्क्राइब कर रहा है तब वहां पे उन्होंने इस वर्ड को डिफाइन किया है. दिस क्योर हैज सो मेनी डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस, बट दिस डेफिनेशन इज द सिंपलेस्ट वन एंड द शॉर्टेस्ट वन एंड दैट इज बीइंग गिवन बाय हनीमैन हिमसेल्फ. So that is called cure. Cure means recovery undisturbed by after suffering. इसको समझने के लिए एक चीज को याद रख लेना. Again, जिस तरह से sick एक holistic approach है, एक consideration of whole organism है, health consideration of whole organism है, उसी तरीके से क्योर भी हमेशा ही एक कंसिडरेशन ऑफ होल ऑर्गेनिज्म है. सपोज कर लो वन इंडिविजुअल हैविंग एक्जिमा, उसके हाथ में एक एक्जिमा है और वो पर्सन थोड़ा सा इरिटेबल है, वो पर्सन भूख अच्छे से नहीं लग रही है, उस पर्सन को स्वेटिंग बहुत आ रही है और उसकी वजह से वो थोड़ा सा वीकनेस फील करता है, एक्स वाई जेड अदर कंप्लेन भी है. आपने बहुत अच्छे से एक टोटलिटी बनाई जो भी कंसिडरेशन है और उसको आपने दवा दी, एक्जिमा बिल्कुल ठीक हो गया, बट हिज स्टेट ऑफ माइंड इज स्टिल एट
अनइजीनेस हिज स्टेट ऑफ माइंड इज स्टिल वही इरिटेबिलिटी वही चिड़चिड़ापन घर में सबके साथ बाहर में ऑफिस में सब जगह वो चिड़चिड़ा करना लेकिन अभी भी फिजिकल लेवल पे अब उसको कोई तकलीफ नहीं है उसका स्किन चला गया सब ठीक हो गया पसीना आ रहा है अनइजीनेस लगती है उसको हो रहा इरिटेबिलिटी है उसके घर में उसके ऑफिस में नहीं बन रहा कैन यू से दैट यू हैव क्योर्ड योर पेशेंट हेलो नो सर रीजन नहीं कहने का हेलो सेकंड ईयर इसको आप डिस्कस नहीं करोगे तो समझ नहीं पाओगे इसको आप प्योर कहो सर प्योर मतलब सर प्योर मतलब मेंटली और फिजिकली बोथ एक्सपेक्ट पे हमने उसे वो जो पहले एक्जिमा होने से पहले जो उसकी स्टेट थी हमें उस पे उसको ले आना है तो वो एक्जिमा से पहले इरिटेबल और ये सब नहीं था तो हमें मेंटली भी उसे वहां पे ला लेके आना है यहाँ पे जो बेसिक है सही है बेसिक कंसीडरेशन है कि आपने पार्ट को तो ठीक कर लिया बट पेशेंट एज ए होल अभी उस कंसीडरेशन में नहीं है इसी चीजों को हम कहते हैं आफ्टर सफरिंग देखो एक सफरिंग तो चली गई लेकिन अभी भी उसके बाद कुछ ना कुछ उसको लगा हुआ है आफ्टर सफरिंग बहुत सारे कंसीडर में बहुत सारे चीजों में अलग अलग चीजें बनी रहती है फॉर एग्जाम्पल अभी देखो किसी को टाइफाइड फीवर हो जाए आपने बहुत अच्छे से दवाई दिया अब बुखार चला गया है लेकिन उसको अब हफ्तों तक भूख नहीं लग रही उसको हफ्तों तक अभी एनर्जी लेवल ही नहीं मिल रहा उसको हफ्तों तक अपना जो नॉर्मल एनर्जी स्टेट है जो रेस्टोरेशन वर्क है वो गेन नहीं कर पाया दिस इज अगेन ए पार्ट ऑफ what we say after suffering so until and unless we have considered or until and unless we will restore the whole individual only removing one sickness is not enough to say that this is called cure ye isliye bhi bata rahe hain ki bahut sare time pe bahut sare jagahon pe dekho अक्सर हम देखते हैं कि कहीं पे हमने एक पेपर पब्लिश किया कहीं पे हमने किया और कंसिडरेशन ऑफ वन पार्ट एक इलनेस को दिखाते हैं कि ये है और ये चला गया बट सिर्फ उसका आना या जाना दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल एज ए क्योर अनटिल एंड अनलेस वी विल जस्टिफाई दिस विथ सर्टेन प्रिंसिपल्स विथ सर्टेन रूल्स फॉर गाइडलाइन ऑफ क्योर जिसको हम कहते हैं जिसको आप अगर थोड़ा सा और आगे जब हम फिलोसफी पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे रिगार्डिंग हेरिंग्स लॉ जब ऑर्गेनन में आप पढ़ोगे तो एफ्रोजन नंबर 253 पढ़ के देखना कि हाउ हनीमैन हैज डायरेक्टेड अस फॉर कंसिडरेशन ऑफ कि अगर आप क्योर कर भी रहे हो और क्योर सही रास्ते में जा रहा है कि नहीं या ये वाकई क्योर हो रहा है कि नहीं या आप होम्योपैथिक मेडिसिन से सिम्टम्स को रिमूव कर रहे हो बट ये पैलिएशन की तरफ जा रहा है इवन मेनी ए टाइम्स विथ होम्योपैथिक मेडिसिन वी कैन परफॉर्म सपरेशंस और हमको लगता है कि हमने पेशेंट को ठीक कर दिया सो दैट सपरेशन पैलिएशन और क्योर इनिशियली समझने के लिए कुछ तरीका कुछ रास्ता कुछ गाइडलाइंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंड फॉर दिस वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन है दैट इज कॉल्ड हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर और दूसरा आपके पास एफ्रिज्म है टेक्स्ट बुक तो थोड़ा सा पढ़ के देखना है एफ्रिज्म नंबर 253 एफ्रिज्म नंबर 253 अभी अब लास्ट एक मिनट बचा है
ये एज इट इज टर्म्ड और इसका फुटनोट जो है वो हम आपको फिर नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अभी तक में कुछ क्वेश्चन है आपका तो अभी आप पूछ सकते हैं। हेलो हेलो यस सर, अभी तक में कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। अगली क्लास में एज इट इज टर्म क्यों कहा गया है ये बताएंगे और इसका फुटनोट बताएंगे फिर आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी इतने में कुछ समझना है तो आप बात कर सकते हो अभी हमसे। गुड आफ्टरनून, था ये एफ्रोजम वन। सर आप क्योर बता रहे थे, क्योर पूरा बता दिया था। हेलो सर, आपने बस वहीं तक बताया था क्योर इज कंसिडर्ड एज अ होल ऑर्गेनिज्म और इसका मीनिंग बताया था। यस सर, रिस्टोर द सिक टू हेल्थ, रिकवरी अनडिस्टर्ब बाय आफ्टर सफरिंग डिफाइंड बाय हैनेमन, फोर लाइंस बताई थी आपने। ठीक है, डिफाइंड बाय हनीमैन इन द मैट्रिया मेडिका प्यूरा चैप्टर चाइना इंट्रोडक्शन, तो याद रखना रिकवरी अनडिस्टर्ब्ड बाय सफरिंग आफ्टर सफरिंग। चलो इसमें एज इट इज टर्म को बताने से पहले थोड़ा सा एक चीज याद रखो, आपको एग्जाम में इस पार्ट से स्पेशली क्या क्या क्वेश्चन आएगा रिगार्डिंग शॉर्ट नोट्स एंड फुल 20 मार्क्स क्वेश्चन जो आएगा, आप उसके बारे में छोटा सा लिख लो। शॉर्ट नोट क्वेश्चन में आपको यहाँ से आएगा दैट इज रिगार्डिंग फिजिशियन, हाई एंड ओनली, मिशन, सिक, क्योर, रिकवरी, और थ्योरेटिक मेडिसिन। ये जो है ये आपको शॉर्ट नोट्स में आएगा, इसको आप नोट्स प्रिपेयर करो और उसमें कोई डिफिकल्टी हो तो आप हमसे कंसल्ट कर लेना, चेक करा लेना। फुल क्वेश्चन में यहाँ से आता है। हाँ आपने थ्योरेटिक मेडिसिन नहीं बताया था, वो अभी फुट नोट बताएंगे तभी बताएंगे। अभी इसका फुट नोट आएगा ना वहां भी बताएंगे हम। फुल क्वेश्चन में यहाँ से आएगा स्पेशली रिगार्डिंग डिस्क्राइब द मिशन ऑफ फिजिशियन, सो अभी तक जो हमने डिस्कस किया इस एफरिज्म में, यहाँ पे ये जो वर्ड्स लिखे हैं फिजिशियन, हाई ओनली, मिशन, सिक, क्योर, इतने में किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? नो सर, देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द वेटिंग रूम। चलो म्यूट कर दिया है, जो लोग वेटिंग में है या बाद में है उनको बोलो अपना वो करे, रोल नंबर भेजते जाए। चलो क्या पूछ रहे थे अभी, इसमें से किसी को कोई डाउट है तो उसके बारे में बात करो। इतने पॉइंट्स में अगर आपको कुछ नहीं क्लियर है या नहीं समझ में आया है, anyone?
हाँ या ना रिस्पॉन्स करते रहो. चलो ठीक है. देन हु विल डिस्क्राइब मी द डिफरेंस बिटवीन क्योर एंड रिकवरी. से बताओगे नाम लेके पुकारो. Who will describe the difference between cure and recovery? Sir. Sir, cure में क्या होगा कि हम वापस उसका अगर कोई भी health problem उसको हुई है तो अगर mentally भी disturb हुआ है तो वो सारी चीजें उसकी वापस सही हो जाएंगी cure में. Restore में सिर्फ उसकी problems को हम remove करके उसे ठीक कर पाएंगे, बाकी चीजें नहीं. तो वो मतलब क्योर में नहीं जाएगा, बस पूरी वो हो जाएगा. हम और कुछ सर, क्योर में जो सिम्टम्स होंगे उनका रिलीफ होता है और रिकवरी में नॉर्मल स्टेट पे वापस आता है पेशेंट. और कुछ एनीवन? और कोई? चलो एक छोटा सा एक एग्जांपल दे रहे हैं, आप इसको बताओ. एक कोई पर्सन है, अस्थमा से सफर कर रहा है, उसको हर रोज ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, वो इनहेलर पंप यूज कर रहा है. एक दिन अचानक वो कहीं सफर कर रहा था रास्ते में ट्रेन में, और उसको वहां पे कोई एक पर्सन मिला. उसने उसको अपने पॉकेट से एक कोई भी हर्ब्स निकाल के दिया, बोला ये खा लो, इससे अस्थमा तुम्हारा ठीक हो जाएगा, इससे सबका ठीक होता है. उसने उसको खा लिया. खाने के बाद अब पिछले 6 महीने से उसको अस्थमा का अटैक नहीं आया. व्हाट डू यू थिंक, कैन यू क्लेम इट एज क्योर? अपना अपना व्यू बताओ. सर वो क्योर तो हो सकता है लेकिन रिकवरी नहीं है. क्योर हो सकता है लेकिन रिकवरी नहीं, कैसे? क्योंकि रिकवरी का मतलब तो ये ना कि मतलब जो पहले स्टेट थी उसकी उस पे वापस आ जाता है, और क्योर मतलब रिगार्डिंग जो उसका अस्थमा था सिर्फ उसको ठीक किया है कुछ टाइम के लिए. बेटा बिल्कुल उल्टा ही इसको उलट दिया है, क्योर और रिकवरी को उलट दिया बिल्कुल. और कोई? जल्दी जल्दी बताओ, इसमें एक सीधा सा क्वेश्चन है, ये वाइवा में तुमसे पूछा भी जा सकता है. सर अगर पेशेंट को दोबारा कभी अस्थमा से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हुई उस हर्ब को लेने के बाद, तो सर वो एक क्यूरेटिव मेडिसिन होगी ना, तो उसके अकॉर्डिंग लाइक वो हम फ्यूचर में डिसाइड नहीं कर सकते जब तक पेशेंट जिंदा है. तो लाइक अटैक अगर दोबारा आया तो क्योर नहीं हुआ, और अगर नहीं आया तो क्यूरेटिव मेडिसिन हो जाएगी वो. चलो और कोई? हाँ जी बोलो, कौन बोल रहे हो? सर वॉइस आ रही है सर. हेलो सर, ये एक तरह से क्योर सर नहीं हुआ, क्योंकि सर ये एक तरह से क्योर नहीं हुआ. अब बोलो ना, अपना व्यू रखो. क्योंकि सर उसने, क्योंकि सर सिम्टम्स के बेस पे नहीं दिया उसने.
उसने सीधा रैंडमली कोई भी हर्ब उठा के दे दिया जिसमें मतलब सर एक तरह से पेटेंट का काम कराया उसने, और एज पर होमोपैथी सर क्योर तो सर उसके बेस पे होगा, सिमिलिया के बेस पे, सिमिलर सिम्टम्स के अकॉर्डिंग जो हम उसे दवाई देंगे। ऋतिक चौधरी, हेलो, ऋतिक बोल रहे थे? यस सर, यस सर। चलो और कोई? और कोई ऋतिक वैभव के अलावा और कौन है? सर ये रिकवरी हुई क्योंकि इसमें बस टेम्परेरी रिलीफ मिल रहा है, उस टाइम तक वो बस रिलीफ मिलेगा, और अगर यही परमानेंट रिलीफ होता तो वो क्योर में काउंट होता। परमानेंट कैसे जस्टिफाई करोगे कि नहीं हुआ? सर उसके टोटल जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देंगे उसके टोटल सिम्टम के बेसिस पे, तो फिर मतलब उससे उसे इफेक्ट मिल रहा है। इसमें तो बहुत सारा टर्म आप ऐसा यूज कर रहे हो जो इसके अभी आप नहीं जान रहे हैं, लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन एक्सेट्रा, ये सब फिर तो बात डिस्कशन की बात। और कुछ? और कोई? अभिषेक सिंह, अभिषेक है यहाँ पे? यस सर। जी आप अपना भी बताओ सर, एक मिनट। हेलो, हाँ जी बोलो सर। पहले बात तो सर हम उसको मेडिसिन नहीं कह सकते क्योंकि वो हमें ये नहीं पता है कि वो रॉ फॉर्म में है या उसका पोटेंटाइजेशन किया गया है या नहीं, हमें मेडिसिन के बारे में ही नहीं पता सर, वो उसने तो रैंडमली दिया है। तो दैट्स व्हाई हम, एक तो ये हो गया सर, और दूसरा ये हो गया कि हमने उसको जो दिया है वो लॉ ऑफ सिमिलिया के बेसिस पे नहीं दिया है, रैंडमली दे दिया है, तो सर ये प्रॉपर क्योर नहीं हुआ। चलो अनामिका, सर ये रिकवरी तो हो सकती है बट क्योर नहीं हो सकता है क्योंकि सर क्योर जो होता है वो होलिस्टिक अप्रोच होता है, मतलब उसमें पूरे सिम्टम सिमिलैरिटी के बेसिस पे टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स बना के तब मेडिसिन देंगे तब वो परमानेंट क्योर होगा, लेकिन केवल उसके एक ही ट्रबल को देख के कोई मेडिसिन हम उसको दे रहे हैं तो वो कम्प्लीटली क्योर नहीं होगा। हाँ वो रिकवरी हो सकती है। सेपरेशन नहीं हो सकता? यस सर। सेपरेशन नहीं हो सकता वो? सर मे बी सेपरेशन हो सकता है सर बट क्योर नहीं हो सकता है वो। चलो ठीक है, क्योंकि हाँ बोलो, टोटलिटी के बेसिस पे सर उसको मेडिसिन नहीं दी गई है ना, और सर क्योर एक इंडिविजुअलिस्टिक होलिस्टिक अप्रोच होता है ना, तो उसके सारे सिम्टम्स के बेसिस पे एक टोटलिटी बना के उसको मेडिसिन नहीं दी गई है ना, तो इसलिए वो क्योर नहीं हो सकता है, बट हाँ रिकवरी हो सकती है। चलो सही बताया है आप लोगों ने मैक्सिमम ने, बट रीजन जो है थोड़ा सा क्लोज, कुछ कुछ ने बताया जैसे ऋतिक ने बताया, वैभव थोड़ा बताया, बट आप इसको अच्छे से टू द पॉइंट जस्टिफाई करने के लिए अभी आपके पास ऑर्गेनन है, एफ्रोजम नंबर 2 खोलो सब लोग। वजन नंबर 2 निकाला आप लोगों ने?
यस सर। चलो इसमें ये जो हमने अभी हाईलाइट किया ये वर्ड देख रहे हो? यस सर। ऑन इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल। सो whenever you will justify cure, whenever you will write any short notes, any long question on cure, जो अभी aphorism 1 में जितना बताया था वो हमने सिर्फ छोटा सा एक word meaning बताया था। अभी आपसे पूछा आप में से किसी को कोई question ही नहीं था तो हमने आपको ये question दिया। वो aphorism 1 में जो था वो सिर्फ एक word meaning है cure। As per your organon, as per your homeopathy, when and to which condition you will call as cure, this criteria is justified in aphorism number 2. इसको जब हम अभी पढ़ेंगे या next class में पढ़ेंगे तो फिर बताएंगे। जो अभी हमने question पूछा था उसका सबसे बड़ा drawback ये था कि that was not based on easily comprehensible principle, जिसको आप लोगों ने कहा कि होलिस्टिक नहीं था, टोटलिटी नहीं मिला, सब उसी का एक पार्ट है। दैट मींस इन शॉर्ट व्हाटएवर एक्सप्लेनेशन, व्हाटएवर मीनिंग यू आर सेइंग, बट द पर्सन हु हैज गिवन द मेडिसिन, द पर्सन हु हैज टेकन द मेडिसिन, दे हैव नॉट इंक्वायर्ड, दे हैव नॉट फिक्स्ड देयर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेमेडी ऑन एनी प्रिंसिपल। उसने वो हर्ब्स उठा के उसको दे दिया कि उनके बहुतों को उससे ठीक हुआ है। बहुतों को क्या हुआ है, किसको कितना रिलीफ मिला है, दैट इज द मैटर ऑफ फर्दर डिस्कशन कि उसका फॉलोअप कितना क्या रहा, जो भी है। बट अभी इस कंडीशन में जो उसको यूज किया गया उसका बेसिस क्या था उसको देने के लिए, और अंटीटा अनलेस द बेसिस इज जस्टिफाइड according to our homeopathic principles, we cannot claim it as cure. So first, whatever you are doing, that must be rational, that must be logical, that must be based on certain principle. The things that you can explain, the things that you can propagate, the things you can further claim, and until and unless you are unable to justify this, your system of prescription, your way of administration or whatever you have done is not called rational. And how much word rational is important for homeopathic prescribing, you must know from the beginning of homeopathy, the actual struggle, the actual fight between other system of medicine or homeopathic system of medicine is the word rational. That whatever you are doing, that must be justified. Ye rational word hi hai jisko justify karne ke liye Hahnemann ne criticize kiya. Aapko pata hai materia medica word homeopathy ke development se pehle se exist kar raha tha. जब हनीमैन क्यूलेंस मेट्रिया मेडिका ट्रांसलेट कर रहा था उस वर्ड उसका भी नाम था मेट्रिया मेडिका। और जब हनीमैन ने होम्योपैथी डेवलप किया और पहला मेट्रिया मेडिका लिखा तो उसका भी नाम मेट्रिया मेडिका था, चाहे आप स्टार्टिंग कर लो फ्रैगमेंटा डी विरिबस से, बाद में मेट्रिया मेडिका प्यूरा डेवलप हुआ 1820 से। सो what was the difference between that materia medica and what you have studying now in this materia medica? The major difference of the two materia medica is the word rational, is the word principle, is the word justification. That means us time ka jo materia medica tha us pe jo symptoms likhe hue the uska aadhar kya tha, that was not fixed. वो जब जहां जिसके जो मन में आया उसमें उसने डाल दिया। That means rationality was not there. That means principle was not there.
जो कि हनीमैन ने एक प्रिंसिपल, एक पैरामीटर डेवलप किया कि ऐसे करने के बाद जो आएगा वही आएगा. दैट पैरामीटर इज कॉल्ड नाउडेज ड्रग प्रूविंग. मेडिसिन खिलाएंगे और ये सिम्टम डेवलप होगा. क्या डेवलप होगा पहले से नहीं पता किसी को. तो एक रेशनलिटी डेवलप हुई, उसको उसने एकोमोलेट किया. उसके बाद दूसरी रेशनलिटी हुई कि इसको अकॉर्डिंग टू द सिमिलिया मैच करेंगे. सो द बिग डिफरेंस बिटवीन द मेट्रिया मेडिका ऑफ होम्योपैथिक मेट्रिया मेडिका एंड द अर्लियर मेट्रिया मेडिका इज रेशनलिटी, लैकिंग इन रेशनलिटी इन द प्रीवियस मेट्रिया मेडिका. और आप बहुत अच्छे से अगर आप हिस्ट्री ऑफ होम्योपैथिक डेवलपमेंट पढ़ा होगा तो यू मस्ट नो द एक्चुअल reason for the development of homeopathy is the search or the question about this rationality. When Hanuman has faced the word that cinchona bark cure ague or malaria because it is bitter, ye because kya tha, ek rationality dikhlane ki koshish kar raha tha, एक जस्टिफिकेशन था. बट इस बिकॉज को क्या किसी ने जस्टिफाई किया था कि बिटर होने की वजह से मलेरिया ठीक कर रहा, एग्यू ठीक कर रहा, इसको किसी ने जस्टिफाई नहीं किया और मेट्रिया मेडिका में चला रहा था. व्हेन हनीमैन रेड दिस देन ही ट्राई टू रेशनलाइज इट एंड देन ही कंपेयर्ड इट विथ अदर बिटर सब्सटेंसेस. If bitterness is the reason for the cure of ague fever, then there are so many other and much more bitter things. They all must have a curative property. And so this word bitterness failed to justify the test of the time. And that is rationality. उसके बाद जो भी हुआ आपको पता ही है कि हनीमैन ने फिर उसको प्रूविंग में निकाला और समथिंग एटसेट्रा एटसेट्रा. सो एक्चुअल वर्ड इज लैक ऑफ रेशनलिटी अंटिल एंड अनलेस इट इज रेशनल, अंटिल एंड अनलेस इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल. जब हम फर्दर क्योर को डिफाइन करेंगे, जब हम फर्दर क्योर को एक्सप्लेन करेंगे, सो क्योर का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर है एंड दैट पिलर इज इट मस्ट बी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल. ठीक है, तो इसको आगे फर्दर डिफाइन करने से पहले फिर हम लोग जब सेकंड पढ़ेंगे तो उसका अदर पैरामीटर्स को बताएंगे. सो वेन एवर यू विल राइट शॉर्ट नोट्स, जो अभी हमने बताया आपको एफरिज्म वन में, दिस इज जस्ट वर्ड मीनिंग. ये क्योर को डिफरेंशिएट या डिफाइन या कंप्लीट नहीं कर सकता अंटिल एंड अनलेस यू विल अटैच द एक्सप्रेशन ऑफ एफरिज्म नंबर टू. Are you getting my point? Hello. Yes, sir. Yes, sir. इसी क्योर को डिफाइन करने के बाद जब हम आते हैं यहाँ पे, जब हनीमैन कह रहा है as it is termed, this as it is termed, why it is written as it is termed? इसका मतलब क्या होता है? जैसा कहा गया है. इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए अगर आप यहाँ पे देखो, हनीमैन ने यहाँ पे सब चीज कहने के बाद यहाँ पे कह रहा है एज इट इज टर्म. ये ना भी कहता तो क्या फर्क पड़ता, मिशन तो फिजिशियन का वही रहता. देन व्हाई ही हैज टू मेंशन इट एज इट इज टर्म और उसके बाद एक लंबा सा फुटनोट मेंशन करने को कहा गया. इस चीज को समझने के लिए आपको थोड़ा सा हनीमैन के टाइम का हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन समझना पड़ेगा कि क्यों हनीमैन को इस चीज को कहना पड़ा, क्यों हनीमैन को इस चीज को एम्फेसाइज करना पड़ा. और वो वजह ये था, हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन में देखोगे अगर वहां पे पढ़ेंगे कि फिजिशियंस वेयर इन्वॉल्व्ड इन अनरेशनल वे ऑफ प्रैक्टिसिंग. और उसमें अगर आपको ये एटीट्यूड, ये एफिज्म वन बताया गया तो चलो ये कर रहे हो आप, साथ में अपनी वाली भी मिक्स कर रहे हो.
जस्ट फॉर एग्जांपल एक चीज बता रहे हैं आपको, अगर आप में से कोई मार्केट जा रहे हो और आपके घर में मम्मी ने कहा कि आप टमाटर गोभी और प्याज ले आना, आप गए मार्केट से टमाटर गोभी और प्याज ले लिया, बट साथ में हो सकता है आपने मटर भी ले लिया, साथ में हो सकता है आपने आलू भी ले लिया, साथ में आपने हो सकता है कुछ और भी ले लिया। अब अगर आप घर लौटोगे तो हैव यू वायोलेटेड द ऑर्डर ऑफ योर मदर? एनीवन? मम्मी ने जो कहा था आपने क्या उसको वायोलेट किया है? हेलो, यस सर, वॉलेट किया है सर? कहाँ किया? मम्मी ने जो कहा था वो तो आपने ले आया सर, मगर अपनी मर्जी से जो लेकर आया उसकी शायद जरूरत ही ना हो। बट मम्मी ने तो मना भी नहीं किया था उन चीजों को। यस सर। तो आपने यहाँ पे, आपके पास एक लिबर्टी है कि आपने ये चीजें जो मदर ने कहा था वो तो ले आए, आपने कुछ और भी ले आया, हो सकता है ये जो आपने सही कहा कि हो सकता है उसकी जरूरत हो चाहे ना हो, बट अब मम्मी ने इसको मना तो नहीं किया था, तो यहाँ पे आप ले आए, ये गलत या सही डिसाइड हो सकता है, बट इट इज नॉट ए वायोलेशन ऑफ द ऑर्डर। बट अगर यहीं पे कहा जाता कि आप यही सिर्फ प्याज टमाटर और मटर लेके आओ मार्केट से, और साथ में अगर मम्मी ने कहा गया जो कहा गया है बस वही करना, जितना कहा गया है वही लेके आना, तो अब बताओ अब आपके पास एडिशनल कुछ भी एक्स्ट्रा करने का स्कोप है यहाँ पे? आप कुछ और एडिशनल लाने का स्कोप बचा? नो सर। और अब अगर आप कुछ एडिशनल लाते हो ना, यू आर वायलेटिंग। So this is the importance of this as it is termed. Honeyman ने यहाँ पे कहा आपका मिशन ये है, that means to restore the sick to health, जिसको हम cure कहते हैं। अब इसको कह रहा है कि as it is termed, जैसा कहा गया है वैसे ही करना, that means इसके बाद इसमें आपकी जो अपनी, that means उस time के history of medicine में जो previous पैटर्न ऑफ प्रैक्टिस चल रहा था, उस टाइम जो प्रीवियस एटीट्यूड ऑफ फिजिशियन चल रहा था, उस चीज को नेगलेक्ट करने के लिए, उस चीज को रोकने के लिए, उसको वार्न करने के लिए हनीमैन ने यहाँ पे यूटिलाइज किया दैट इज कॉल्ड एज इट इज टर्म्ड। सो एज इट इज टर्म्ड इज एक्चुअली ए क्राइटेरिया दैट यू शुड नॉट क्रॉस दिस बाउंड्री लाइन। एज इट इज टर्म्ड को आप एक तरह से समझ सकते हो कि ये एक लक्ष्मण रेखा खींची गई है जिसको हनीमैन ने कहा है कि इसको क्रॉस मत करना, और ये लक्ष्मण रेखा स्पेशली इस वजह से खींची गई बिकॉज एट दैट टाइम द स्टेट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन वाज मच मोर इन्वॉल्व्ड इन अनरेशनल थिंग्स, जिसको हम अभी जब डिस्क्राइब करेंगे फुटनोट थ्योरेटिक मेडिसिन। सो एक्चुअली दिस termed is for prohibition regarding this theoretic medicine, regarding this irrational way of practicing, regarding this irrationality in your practice. आप अच्छा कर रहे हो साथ में ये भी कर रहे हो, so that restriction Honeyman has applied कि बस इतना ही करना जितना कहा गया है, बस वैसे ही करना जैसे कहा गया है, बस वही करना जो कहा गया है। दैट मीन्स जो कहा गया है ये तो कहा ही गया है, बाकी अदर कुछ भी उल्टा सीधा करने के लिए आपका स्कोप यहां पे रोक दिया गया है। दैट गाइडलाइंस, दैट डिमार्केशन, व्हाटएवर यू कैन से, द बाउंड्री लाइन, द लक्ष्मण रेखा इज एक्चुअली दिस एज इट इज टर्म दैट प्रोहिबिट यू फ्रॉम डूइंग एनीथिंग अनरेशनल, that doing from anything irrational, that from doing anything that is not directed, that is not advised you to do this.
Am I clear? Yes, ये चीज समझ में आ रही है? चलो अब आप yes, आप में से कोई एक इसको रीड करो, अब दो मिनट तीन मिनट ही बचा है, इसको एक बार रीड कर लो, फिर हम इसको अगले क्लास में पढ़ेंगे। ये जो देखो यहाँ फुटनोट वन दिया हुआ है, हमने आपको अभी यहाँ पे दिखाया एज इट इज टर्म, ये फुटनोट वन का पार्ट है, ठीक है। सो ये फुटनोट वन क्या है, फुट मेन एफरिज्म वन इज एडवाइस रिगार्डिंग योर मिशन एंड फुटनोट इज, देखो यहाँ पे हमने लिख रखा है प्रोहिबिशन फॉर द फिजिशियन वाइल डूइंग योर मिशन, जो काम करने के लिए कहा गया है, जो ऑर्डर दिया गया है, जो आपको एडवाइस दिया गया है, वो तो करना ही है, बट वही करना है, बाकी नहीं करना है, बाकी चीजों को अवॉइड करना है। That avoidance is given in this your footnote. चलो एक बार अभी जितना रीड कर सकते हो इसको एक कोई एक रीड करो आपकी तरफ से, इसको हम फिर अगले क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। Anyone read this? His mission is not, however, to construct so-called systems by interweaving empty speculations and hypotheses. Hello, आप ना इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और ये जो जो हाइलाइटेड वर्ड है अपने टेक्स्ट बुक में इसको हाइलाइट कर लेना, ठीक है। अभी जस्ट 20-30 सेकेंड रह गया है तो आप इसका फोटो ले लो, इसको हाइलाइट कर लो एंड दिस वी विल अगेन डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। In between, before we finish aphorism number one, read those parts जो हमने आपको short notes के लिए बताया है। कोई भी query होता है, कोई doubt होता है, then prepare your question and I will reply you in your next class. ठीक है, इसका photo ले लो। जो लोग बाद में आए हो अपना attendance जल्दी से जल्दी submit करो, क्योंकि अब बंद हो जाएगा, फिर admit आपका attendance count नहीं होगा। ले लिया फोटो इसका? Yes, sir. चलो ठीक, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हेलो, थैंक यू सर।